Assalamualaikum my friends, welcome back to my channel Kitchen Queen. Our today recipe is vegetable pasta. It's very yummy and delicious recipe. चलिए आए ingredients note down करते हैं. इसके लिए हमने 1 cup ले लिया है जी येलो कैप्सिकम, एक कैरेट ले लिया है उसको क्यूब्स में कट कर लिया है, 1/2 cup हमने ले लिया है ग्रीन कैप्सिकम, 1/2 cup ऑनियन ले लिया है और स्प्रिंग ऑनियन ले लिया है 1/2 cup और 1 cup मशरूम्स ले लिए हैं और 1 cup हमने ले लिया है जी बॉयल मटर्स, बॉयल ग्रीन पीस ले लिए हैं और 250 ग्राम मैंने पेनी पास्ता लिया है. एक सॉस पैन में मैंने पानी बॉयल करने रख दिया था, वो बॉयल हो चुका है. इसमें हमने सॉल्ट ऐड करना है और ये 250 ग्राम पास्ता ऐड कर देंगे. अब हम मशरूम्स कट कर लेते हैं जब तक हमारा पास्ता का बॉयल हो रहा है. मशरूम्स को मैंने वॉश कर लिया था, इसका पानी ड्राई हो चुका है. अच्छी तरीके से वॉश करके इनको साफ़ कर लिया है. इसको अब हम कट करेंगे कटिंग बोर्ड पर और मशरूम्स आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. और ये डिश जो है वो उन लोगों के लिए बड़ी डिलीशियस है जो कि चिकन लाइक ना करते हों, वेजिटेरियन हों, उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त डिश है. अच्छा, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 teaspoon हमने ऑलिव ऑयल के ऐड किए थे और इसमें अब ऑनियन चला जाएगा. 1/2 cup चॉप्ड ऑनियन लिया है हमने, वो 1/2 cup ऐड कर देंगे और इसमें 1 teaspoon के बराबर हमने ऐड कर देना है जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे. क्यूमिन ऐड कर देंगे 1 teaspoon. वी ऐड 1 teaspoon क्यूमिन एंड नाउ मिक्स 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 एंड देन वी ऐड सम, जब ये ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे. नाउ वी ऐड वेजिटेबल्स एंड 1 cup ऑफ मशरूम्स एंड स्टिर दिस. इसको अच्छे से स्टिर फ्राई कर लें आप. इनको मैंने बॉयल नहीं किया, ये जस्ट स्टिर फ्राई में ही ये बड़ी अच्छी सी हो जाती हैं. जस्ट हमने मटर बॉयल किए हैं, मटर बॉयल किए हुए थे उनको हम भी हमने इसमें ऐड कर दिया है. अब हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 tablespoon के बराबर रेड चिली फ्लेक्स. अगर आपकी स्पाइस ज़्यादा हो, ज़्यादा लाइक करें तो आप 1.5 कर सकते हैं, अदरवाइज़ 1 tablespoon इज़ इनफ. और 1 teaspoon जो है हमने इसमें ऐड किया है थाई चिली सॉस. इट्स वेरी डिलीशियस एंड वेरी फ्लेवरी सॉस. और 1 teaspoon मैंने ऐड कर दिया है सोया सॉस, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे. सॉस में भी थोड़ा सा स्पाइस होता है, जो लोग स्पाइस कम लेना चाहें तो वो रेड चिली फ्लेक मत डालें. और हम जैलपिनो सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 teaspoon जैलपिनो हॉट सॉस. नाउ वी ऐड 1 teaspoon हेयर. अब इसको मिक्स कर देंगे. हमने ग्रीन ऑनियन जो है यानी कि स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज जो है उसको हम लास्ट पे ऐड करेंगे. अभी से ऐड कर देंगे तो उसका कलर फेड हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बदल जाता है ऐसे पे. तो अब हमने सारी वेजिटेबल्स को मिक्सअप कर लिया है. मिक्सअप करने के बाद हम इसमें डालेंगे जी ब्लैक पेपर 1 teaspoon के बराबर, क्रश्ड ब्लैक पेपर है ये. और स्पाइस अगर आपने ज़्यादा करना हो तो हर उसमें इसके लिए 1 teaspoon बढ़ा लें. ये मैंने केचप डाली है 1 cup के बराबर थी. आप चाहें तो अभी ही सारे ज़्यादा केचप डाल सकते हैं 1.5 cup. मैंने इसमें थोड़ी इसलिए डाली है कि मेरे बच्चों ने इसके ऊपर से भी डाल के इसको खाना है, तो आप 1 cup जो है और ऐड कर सकते हैं केचप का जो ज़्यादा लाइक करते हैं. और हमने लास्ट पे इसमें ऐड कर देना है स्प्रिंग ऑनियन. केचप ऐड कर लें या टमाटो प्यूरी ऐड कर लें इसकी अलग से जो बनती है. इसको अब आप मिक्स करें. मिक्स करने के बाद जी हम इसको करेंगे जी सर्व लास्ट पे हनी ऐड करके. हनी आप अपने पास्ताज में ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आता है. इट्स माई एक्सपीरियंस एंड माई क्रिएटिविटी ऑफ दिस रेसिपी. बड़ा मज़े का लगता है भाई, इट्स वेरी यमी. अब हम इसको सर्व करेंगे. मैंने सर्विंग डिश अपनी रेडी कर ली है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम इसमें ऐड कर देंगे जी और ये हो गया है जी हमारा पास्ता डन. आई होप यू लाइक दिस रेसिपी. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई रेसिपी. और इस रेसिपी को ऐसे फॉलो कीजिएगा और ये डाइट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाली रेसिपी. ओके,
Thanks for watching my video and subscribe my channel. Remember me in your prayers. And Allah Hafiz, milte hain next recipe mein.